खबर 9 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हमारी सभी न्यूज प्राप्त करें। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर 9 में। मैं अक्षय तिवारी आपका तहे दिल से एक बार स्वागत करता हूँ। करकिली ब्लॉक के नरवार 29 में टिड्डी दल कल शाम 4 व 5 बजे गुगली के सोगान जंगल की तरफ से पहुंचे, जिसमें गांव वालों ने एकत्रित होकर आवाज व थाली पीटकर इसको भगाया गया, लेकिन रात्रि होने के कारण नरवार 29 और सकरवार ही पेड़ों में रुके रहे, जिसकी खबर जिला प्रशासन को हुई। जिस तरह से टिड्डी दल का गठन किया गया, जिला कलेक्टर द्वारा उसी को लेकर रात्रि 7 बजे मौके पर आर.के. मंडावी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी करकेली, नायब तहसीलदार करकेली, कृषि विस्तार अधिकारी मौके पर पहुंचकर सरपंच व गांव के किसानों द्वारा सलाह अनुसार टिड्डी दल को भगाने का प्रयास करने को लेकर योजना बनाई गई, जिसमें सुबह ही कार्य किया जा सकता था। सुबह ही 7 बजे जिला कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव महोदय नरवार 29 कृषि विभाग टीम के साथ मौके स्थल पर पहुंचकर मौका मुआयना किए। वहीं पर जनपद पंचायत CEO आर.के. मंडावी, करकेली नायब तहसीलदार करकेली ज्ञान चंद्र पटवारी, कृषि विस्तार अधिकारी आर.एन. सिंह परिहार, कृषि उप संचालक अधिकारी डी.डी. प्रजापति, SDM ग्राम पंचायत सरपंच, समस्त किसान वर्ग पहुंचकर टिड्डी दल को नष्ट व भगाने का प्रयास करने को लेकर दवाई का छिड़काव किया गया। वहीं पर किसानों को भी जानकारी दी कि सभी अपनी फसलों में दवाई का छिड़काव करें, जिससे टिड्डी दल का प्रकोप ना रहे। मौके पर कलेक्टर ने टिड्डी दल को देख लगभग कलेक्टर महोदय द्वारा 1 घंटे से ज्यादा नरवार 29 में मौके पर निरीक्षण करते रहे। वहीं पर कृषि विभाग की टीम द्वारा टिड्डी दल को नष्ट भगाने का प्रयास करने के लिए पूरी अपनी ताकत कृषि विभाग द्वारा किया जा रहा है। वहीं पर किसानों को समझाई दी जा रही है कि इसके बचाव को लेकर। इस मौके पर पत्रकार मदन बर्मन, नरवार 29 सरपंच कृषि विभाग व ग्रामीण जन किसान उपस्थित रहे। उमरिया से नीरज सिंह रघुवंशी की रिपोर्ट। तो ये थी आज की खबरें, बने रहिए हमारे साथ खबर 9।